टाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको प्रमेय के बारे में बता रहा हूँ। प्रमेय जिसको उपसर्ग लगाया, प्रका मेह यानी बरसात की तरह बहना, मूत्र नली से जो वीर्य का बहाव है वो लगातार बहता रहता है, उसको प्रमेय कहते हैं। वीर्य का निकल जाना, वीर्य का पतलापन की वजह से सब ये होता है। इसलिए प्रमेय के प्रकार बहुत है, पर उनकी अवस्था होती है वो तीन है प्रमुख। पहला साध्य, जो सरलता से साध्य ठीक हो जाता है, जिसकी प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज कहते हैं। दूसरा वह जो कष्ट साध्य सेकेंड स्टेज, और एक थर्ड स्टेज अर्थात प्राथमिक स्तर पर आप चाहेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर अगर आपका ये बीमारी है तो आप खुद ठीक कर सकेंगे। द्वितीय तृतीय अवस्था में आपको कुशल वैद्य से ही संपर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी बीमारी निकलेगी। इसलिए प्राथमिक तौर के लिए आपको मैं एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, उन्हीं लोगों को फायदा होगा। और जो पुराने और जटिल बीमारी से ग्रसित है उन्हें अगर फायदा नहीं है तो आप अच्छे कुशल वैद्य हकीम या डॉक्टर साहब से संपर्क करें और उनसे ही इलाज करवाएं। मैं ये सब बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, डाइटिशियन और साइकोलॉजिस्ट, आज आपको बता रहा हूँ कि प्रमेह का घरेलू उपचार क्या है। तो उसके लिए कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, वो आप सुन लीजिए और आप अपने पास में घर पे किसी पंसारी की दुकान से लाइए और कूट पीस छान कर आप उसको दवा का सेवन करें। वो दवाएं क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मुलेठी, मुलेठी, हरड़े, बेड़े, आंवला, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, बिदारी कंद, सतावरी, नाग केसर, इन सब को बराबर मात्रा में आप ले लें। जैसे 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम आपकी आवश्यकता अनुसार खरीद लाएं। इन सब को खरीदने के बाद आप घर पे थोड़ी सी हल्की सी धूप दे दें, अगर नमी होगी तो कूटने में थोड़ी बाधा आती है। फिर आप इसको कूट लीजिए हमाम दस्ते में, कूटने के बाद आप इसको छान लीजिए किसी कपड़े से, जिसको कपड़ छान भी बोलते हैं। छानने के बाद में आप चूर्ण एक डब्बे में भर के रख लीजिए। फिर आप इसमें से 6 मसी सूंड और 6 मसी शहद, सॉरी 3 मसी शहद और 6 मसी घी, ये आप तीन ही मिश्रण को आप साथ में ले सकते हैं। सुबह एक बार लीजिए, आपको निश्चित है कि आराम मिलेगा। चूर्ण की जो मात्रा है वो 6 मासा है और घी है वो भी 6 मासा है और शहद है वो 3 मासा। आप इनका योग बनाकर लीजिए, ये आप बेअंदाज़ा है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि आपने बहुत सारे नुस्खे काम में लिए होंगे, पर आपको इससे इतना फ़ायदा होगा कि आपके शरीर के अंदर जो कमज़ोरी, जो आलस था वो निकल जाएगा। आप 15 दिन सेवन कीजिए, 15 दिन के बाद में अगर आपको कोई परेशानी है संपर्क कीजिए, टिप्पणी कीजिए, आपके टिप्पणी का दबाव दिया जाएगा। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद।